बच्चों, पिछली कक्षा में हमने भारत की स्थलाकृति, वहाँ की जलवायु और वहाँ मिलने वाले अपवाह तंत्र, इन सभी बातों पर एक विस्तृत चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे जनसंख्या पर। जनसंख्या, बच्चों, क्या आप एक मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? एक ऐसा विश्व जहाँ पर कोई मनुष्य ना निवास करता हो, और क्या ये संभव है? या फिर जब एक मानव रहित विश्व की हम कल्पना करेंगे, तब हम ये जो बात कर रहे हैं, चाहे वो भारत हो या विश्व के किसी भी महाद्वीप या किसी भी देश के विषय पर, तो वहाँ पर हम स्थलाकृति, जलवायु, अपवाह, वनस्पतियाँ, मिट्टी, इन सभी का अध्ययन करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। या मैं ये कहूँ कि हम पृथ्वी पर मिलने वाले जितने भी भौतिक मतलब यही स्थलाकृति, जलवायु, अपवाह, या फिर सांस्कृतिक का के अंतर्गत तो इसका मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो मनुष्य ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त चाहे हम परिवहन, उद्योग, नगर, इन सभी की भी चर्चा करें, तो ये सबका जो केंद्र बिंदु है अध्ययन का, वो मनुष्य है। और मनुष्य इसलिए है कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो भी एक सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण मनुष्य ही करता है, और इसके साथ ही साथ यहाँ जितने भी संसाधन उपलब्ध होते हैं, इन सभी का उपयोग भी मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। हाँ, समाज के विकास में भी मनुष्य का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव जो है या मनुष्य जो है वो संसाधनों का निर्माण या उपयोग तो करता ही है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये स्वयं भी एक विभिन्न गुणों से भरपूर महत्वपूर्ण संसाधन है। अरे, अब हमने मनुष्य को एक संसाधन कह दिया, तो मनुष्य कैसे संसाधन होगा? मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हमें मालूम है, जब हम हमने संसाधन की परिभाषा पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि वो सभी वस्तुएं या पदार्थ या तत्व जो मनुष्य के उपयोग में लाई जाती हैं या उसके आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, वो सभी संसाधन हैं। तो भाई, अगर हम बात कर लें, ऐसा नहीं है कि पहले प्राचीन समय में कोयला जो है वो इस धरातल की चट्टान में उपस्थित नहीं था, या लौह अयस्क उपस्थित नहीं था, या इस धरातल पर नदियां नहीं बहती थीं। ये सभी चीज़ें पहले भी थीं, लेकिन जब चाहे हम लोहे की बात करें, या हम कोयले की बात करें, या हम नदी में बहते हुए उस जल की बात करें, तो ये तब तक संसाधन नहीं थे जब तक ये मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। अब पहले तो ये सिर्फ चट्टान में उपस्थित एक चट्टानी टुकड़े थे। अब जैसे ही मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए या अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने विवेक, बुद्धि और तकनीक का प्रयोग करके जब इन चट्टानों से लोहे को अलग किया, लौह अयस्क की खोज की, या कोयले को खोज निकाला, या नदियों के इन बहते हुए जल से बनाए गए बांध से, गिरते हुए जलप्रपात से जब उसने जल विद्युत उत्पन्न कर लिया, तो ये सब संसाधन बन गए, जल संसाधन, खनिज संसाधन। तो धरातल में उपस्थित, पृथ्वी के भूगर्भ में उपस्थित इन सभी तत्वों या पदार्थों को संसाधन का रूप जो है वो किसने दिया? इन सभी को संसाधनों का रूप मनुष्य ने ही दिया है। इसीलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर, भूगर्भ पर जितने भी संसाधन हमें मिलते हैं, उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो है वो मनुष्य है, क्योंकि शेष जितने भी संसाधन हैं उन्हें संसाधनों का रूप मनुष्य ही देता है, अदरवाइज ये किसी महत्व के नहीं रह जाते। जब मनुष्य ने इनका रूप परिवर्तन करके अपने उपयोग के लायक इसे नहीं बनाया होता।
अब हम देखें कि चाहे हम बात कर लें इस पूरी पृथ्वी पर इसका जो केंद्र बिंदु है, अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है, या हम कहें कि संदर्भ बिंदु जो है वो मनुष्य ही है, और इसी के आधार पर हम कहेंगे कि दूसरे तत्वों के महत्व का या उसके अर्थ, उसके मायने जो हैं वो ढूंढे जाते हैं या उसका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि जब तक हम उसको मनुष्य के संदर्भ के रूप में ना पढ़ें या उसका अध्ययन ना करें, तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि हम बाढ़ का अध्ययन करते हैं, किसी स्थान पर आने वाले बाढ़ का, सूखे का, कहीं भूकंप आ गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, चक्रवात आ गया, और इन सब का अध्ययन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे अपार जनधन की हानि हो रही है। जिस स्थान पर भी ये सभी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वहाँ पर जो मनुष्य रहता है, मानव संसाधन जो है, उसको अपार क्षति होती है, और इसी संदर्भ के कारण हम इसका अध्ययन करते हैं, इसके महत्व का अध्ययन करते हैं, और इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों या सारे पहलुओं का हम अध्ययन करते हैं। एक मनुष्य विहीन क्षेत्र में अगर बाढ़ आ जाता है या सूखा आ जाता है, जहाँ पर कोई किसी भी प्रकार से मनुष्य का निवास नहीं है, या वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, तो हम क्यों उसका अध्ययन करेंगे? तब हमारे लिए उसके कोई मायने नहीं रह जाते। सारी चीज़ें जो है, जैसे हमने बात की सुनामी, बाढ़, सूखा, ये जितनी भी प्राकृतिक आपदाएँ हैं, या हम विकास के संदर्भ में भी बात करते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं मनुष्य से। इसलिए इस चाहे वो प्राकृतिक तत्व हो या फिर वो सांस्कृतिक तत्व हो, इन सभी के अध्ययन का केंद्र बिंदु मनुष्य है, और इसी के संदर्भ में हम बाकी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। हाँ, और इसी कारण से हम कहते हैं कि मानव संसाधन का अध्ययन करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम देखते हैं मानव जो है वो पृथ्वी के जितने भी संसाधन हैं, हमने देखा कि वो उसका उत्पादन तो करता ही है, और उत्पादन इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसे अपने उपयोग में लेकर आता है। तो जितने भी संसाधन हैं उसके उत्पादन और उपयोग का जो दायित्व हम कह सकते हैं वो मनुष्य के ही ऊपर है, और इसलिए हमें किसी देश के संदर्भ में, किसी प्रदेश के संदर्भ में, या विश्व के संदर्भ में भी हम बात करें तो जनसंख्या के जो विभिन्न पहलू हैं उनका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी कारण हम अध्ययन करेंगे जैसे किसी स्थान पर जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, तो क्या वो वहाँ रहने वाले मनुष्य के लिए, मानव के लिए पर्याप्त हैं या अपर्याप्त हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम ये जानेंगे कि उस स्थान पर कितनी जनसंख्या जो है वो निवास करती है, कितने व्यक्ति रहते हैं, और इन व्यक्तियों की या उस जनसंख्या की अलग अलग विशेषताओं का, उसके भी अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करना भी और अधिक आवश्यक हो जाता है। तभी तो हम सारी चीज़ों का अध्ययन कर पाएंगे या उसके महत्व का अध्ययन कर पाएंगे। जैसे कि कहीं पर कोई जनसंख्या रह रही है, तो एक तो उनका वितरण कैसा है, क्या समान वितरण है, असमान वितरण है, तो जनसंख्या से जुड़ी वितरण की बात, और घनत्व की बात कि कितनी डेंसिटी, कितना दबाव किस स्थान पर व्यक्तियों का पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ उसके विभिन्न विशेषताएं, जैसे कि लिंगानुपात हो गया, जनसंख्या वृद्धि की हम बात कर रहे हैं, जनसंख्या रह रही है तो उसमें कितने आयु वर्ग के लोग रह रहे हैं, तो एज कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, कितने बाल आयु वर्ग हैं, कितने युवा हैं, कितने वृद्ध वर्ग रहते हैं। इसके साथ ही साथ इन सभी आयु वर्ग में पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी है, मतलब हमने जो लिंगानुपात की बात की, और इनमें साक्षरता कितनी है, साक्षरता के साथ साथ उस स्थान में कितनी कार्यशील जनसंख्या है, कितनी अकार्यशील जनसंख्या है, इन सभी पहलुओं पर हम अध्ययन करते हैं, और इसी के आधार पर किसी देश में जितनी जनसंख्या है और उसकी जो अलग अलग विशेषताएं मिलती हैं, इसके आधार पर वहाँ पर पॉलिसीज भी जो है वो बनाई जाती हैं ताकि उस देश का विकास प्रॉपर हो पाए। अब
हम ये बात करते हैं कि जो जनसंख्या की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, और इसी आधार पर हम ये अध्ययन करेंगे कि जितने भी और अन्य संसाधन हैं उनका और जनसंख्या का क्या संबंध है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसका अध्ययन कर रहे हैं तो किस बात पर हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए उस अध्ययन का क्या महत्व है। तो आइए हम इन सभी बातों पर विस्तृत चर्चा करते हैं। तो जब हम बार बार जनसंख्या कह रहे हैं और जनसंख्या के अलग अलग पहलुओं या विशेषताओं की जैसे अभी हमने बात की, तो हम देखते हैं कि ये जो आंकड़े हैं जनसंख्या के, चाहे वो लिंगानुपात हो या आयु संरचना हो, साक्षरता से संबंधित बातें हों, तो ये सब बातों की जानकारी हमें कैसे मिलती है। इन सभी बातों की जानकारी जो है वो हमारे देश में जनगणना के माध्यम से मिलती है, या किसी भी देश में जनगणना के माध्यम से मिलती है। अब जनगणना शब्द तो आपको जानना जरूरी है कि जनगणना होती क्या है, जनगणना हम किसे कहते हैं। तो जनगणना जो है वो किसी भी देश अथवा किसी भी क्षेत्र में लोगों के बारे में एक विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना और उन सूचनाओं का रिकॉर्ड रखना, और ये जो सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं वो एक शासकीय आदेश के तहत ही की जाती हैं, और रिकॉर्ड भी जो है वो एक शासकीय आदेश के तहत ही रखा जाता है। तो इस विधि से जो जनसंख्या की विभिन्न जानकारियां प्राप्त की जाती हैं उसे हम जनगणना कहते हैं। और ये जो जनगणना है वो एक निश्चित समय अंतराल पर की जाती है। जैसे हम भारत में देखेंगे तो हमारे भारत में एक निश्चित समय अंतराल, और वो समय अंतराल है हर 10 वर्ष के अंतराल में हमारे भारत में जनगणना की जाती है। अब हम थोड़ी जनगणना के इतिहास के विषय में बात कर ले कि कब से प्रारंभ हुआ और अब तक कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं। तो भारत में सबसे पहली जनगणना जो है वो 1872 में हुई थी, लेकिन हम उसे संपूर्ण जनगणना नहीं कह सकते, क्योंकि तब कुछ बहुत सारे जो क्षेत्र हैं देश के वो इस जनगणना में छूट गए थे, मतलब उनके आंकड़े एकत्र नहीं किए गए थे, और बहुत सारी मतलब एक हम कहें संपूर्ण जानकारी भी एकत्र नहीं हो पाई थी। इसलिए ये 1872 में जो की गई पहली जनगणना है वो एक संपूर्ण जनगणना नहीं कही जाती। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई, तो आपका उत्तर होगा सन 1881 में। 1872 में पहली जनगणना, उसके 9 वर्ष के बाद 1881 में पहली संपूर्ण जनगणना हुई, जिसमें देश के समस्त हिस्सों या क्षेत्रों से संबंधित जानकारियां जो हैं एक संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण आंकड़े जनसंख्या से संबंधित एकत्र किए गए। तो पहली संपूर्ण जनगणना 1881, और अगर आपसे प्रथम जनगणना पूछा जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए 1872। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अब हम देखें अब तक, मतलब पिछली जनगणना हमारी कब हुई थी, 2011 में। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी वो हमारे देश की 15वीं जनगणना थी, मतलब अब तक हमारे देश में कुल 15 जनगणना जो है वो हो चुकी हैं। और 2011 के बाद जो है 2021 में हमारे देश में जनगणना होनी थी, लेकिन हमें मालूम है कि तब हम कोरोना महामारी कोविड से जूझ रहे थे, जिसके कारण हमारी जो 2021 की जनगणना वो डिले हो गई है, आगे बढ़ गई है, आगे खिसक गई है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2023-24 में फिर से ये अगली जनगणना, जो कि हमारी 16वीं जनगणना होगी, इसे किया जाएगा। बच्चों, हमने बात कर ली कि जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन क्यों आवश्यक है, और ये जनसंख्या से संबंधित जितनी भी विभिन्न प्रकार की जानकारियां हैं उसकी विशेषताओं से संबंधित वो हम किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं। आइए अब हम भारत देश की जनसंख्या का एक संपूर्ण अध्ययन करते हैं कि जनसंख्या कितनी है, कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की जनसंख्या मिलती है, और उस जनसंख्या से संबंधित जो विभिन्न विशेषताएँ हैं उन सभी पर हम चर्चा करते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या के आकार और वितरण पर। बच्चों, जब हम आकार की बात करते हैं तो हम देखेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत की जो जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी। अब ये जो 121 करोड़ जनसंख्या है, यदि हम विश्व की पूरी जनसंख्या, कुल जनसंख्या के विषय में बात करें, तो ये 121 करोड़ जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। मतलब विश्व की कुल जनसंख्या यदि 100% है तो उसका 17.5% जो है वो हमारे भारत देश में निवास करता है। अब हम भारत के पूरे क्षेत्रफल की बात करें कि कुल कितना क्षेत्रफल जो है वो हमारे भारत देश के हिस्से में आता है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है। और यदि हम विश्व के कुल क्षेत्रफल को 100% मान लें तो हम देखेंगे कि इस विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% जो है वो हमारे देश के अंतर्गत आता है। या हम इसे दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि विश्व के कुल 2.4% क्षेत्रफल में पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। अब ये हमने देखा कि कितनी जनसंख्या कितने क्षेत्रफल में रह रही है। अब इस पूरे क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या में भी देखिए, मतलब भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर मिलती है। ये जो 121 करोड़ है जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में निवास करती है, तो ये पूरी जनसंख्या का वितरण, ये तो आकार हो गया 121 करोड़ की, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी विशाल जनसंख्या हमारे देश में रहती है। लेकिन हम ये देखेंगे कि इस इतनी जनसंख्या का पूरे भारत देश में वितरण भी सभी जगह एक समान हमें नहीं मिलता। कहीं अधिक जनसंख्या है, कहीं अधिक व्यक्ति लोग रहते हैं, कहीं पर कम व्यक्ति रहते हैं। तो इस पर हम थोड़ी नज़र डालते हैं, देखते हैं हम कि सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो भारत में उत्तर प्रदेश में मिलती है और यहाँ पर कुल 1990 लाख जनसंख्या जो है वो निवास करती है। और ये हमारे भारत की कुल जनसंख्या यदि हम 100% मान लें तो इसका 16% जो है 1990 लाख ये उत्तर प्रदेश में अकेले निवास करता है। अब दूसरी ओर हम देखेंगे कि सिक्किम जो है पूर्वोत्तर राज्य, तो इस सिक्किम की जो आबादी है वो मात्र 6 लाख है, जहाँ उत्तर प्रदेश में 1990 लाख जनसंख्या निवास करती है, वहीं सिक्किम में मात्र 6 लाख जनसंख्या रहती है। और इसके साथ ही साथ यदि हम लक्षद्वीप में चले जाएं, जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर हम देखेंगे कि 64,429 लोग ही रहते हैं। तो हमने देखा कि कहीं पर बहुत ज़्यादा, कहीं पर बहुत कम, तो जनसंख्या के इस वितरण में हमें बहुत अधिक असमानता देखने को मिलती है। अब इसमें हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। भारत की लगभग जो आधी जनसंख्या है वो सिर्फ इन 5 राज्यों में ही निवास करती है, और वो कौन कौन से, तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, फिर हम आ जाएं बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों में हम देखेंगे कि भारत की कुल जनसंख्या का 50% जो है वो यहीं पर निवास करता है। अब इन 5 राज्यों के साथ ही यदि हम अपने छत्तीसगढ़ के जनसंख्या के आंकड़ों पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में पूरे भारत की जनसंख्या का 2% जो है वो निवास करता है। और यदि हम आंकड़ों में इसे देखें तो 2,55,40,196, मतलब लगभग 2.5 करोड़ जनसंख्या जो है हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करती है। बच्चों, हमने ये जो वितरण देखा इसी में हम देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश जो है वो हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो सबसे बड़ा राज्य भारत में राजस्थान है, लेकिन राजस्थान क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत का केवल 5.5% जनसंख्या ही निवास करती है।
तो इतनी अधिक विषमता देखने को हमें मिल रही है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात और हम चर्चा कर लेते हैं। हमें मालूम है कि जब 2011 की जनगणना हुई थी तब हमारा भारत जो था वो जनसंख्या के हिसाब से इसका दूसरा स्थान था। पहला स्थान किसका था? चीन का, उसके बाद दूसरा भारत और तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन वर्तमान में हम देखें, वर्तमान में मतलब जुलाई 2023 की स्थिति हम देखें, तो संयुक्त राष्ट्र परिषद का जो एक आकलन है वो बताता है कि अब हमने इस वर्तमान स्थिति में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। और चीन को पीछे छोड़ते हुए हमारे भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग वो 142.86 करोड़ हो गई है, और वहीं चीन की जो जनसंख्या है वो 142.57 करोड़ ही है। मतलब हम चीन की जनसंख्या से लगभग 29 लाख जनसंख्या या व्यक्तियों में आगे निकल चुके हैं। अब हम इसी दर से यदि आगे बढ़ते रहें तो हम देखेंगे कि हम एक विशाल वृद्धि जो है वो भविष्य में अपनी जनसंख्या की दर्ज करेंगे। आपको एक और महत्वपूर्ण बात पता होनी चाहिए, यदि हम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ये दोनों राज्यों की जनसंख्या को मिला दें तो इन दोनों राज्यों की जो जनसंख्या है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या के बराबर है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसी दर से यदि हम वृद्धि करें तो हर साल या हर दशक में हर जनगणना में हम एक नया संयुक्त राज्य अमेरिका उत्पन्न कर रहे हैं। आइए, ये तो हो गई बात हमारे जनसंख्या के वितरण की। अब इसमें हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि जहां हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जहां देश की कुल 16% जनसंख्या निवास करती है, और वहीं राजस्थान में हमने देखा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वहां मात्र देश की 5% जनसंख्या ही निवास करती है, तो ऐसा क्यों, वितरण में असमानता क्यों देखने को मिलती है? तो बच्चों, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगी। यदि आपको अपने लिए एक छोटा सा घर लेना है तो आप किस क्षेत्र में, किस जगह पे आप अपना घर जो है, किस लोकेशन पे आप अपना घर लेना चाहेंगे? तो नेचुरली है कि आपका उत्तर होगा कि वो एक समतल भूभाग होगा जहाँ का ड्रेनेज अच्छा हो, पानी भराव की समस्या ना हो बारिश के समय पे, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो, मतलब सभी जगह से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो, चाहे वो रेल से, रेल यातायात के माध्यम से हो या सड़क यातायात के माध्यम से हो। जहाँ पर अगर आप एक खेतीहर घर से हैं तो जिस वहाँ पर की ज़मीन में कृषि बहुत अच्छी मात्रा में होती हो, मतलब कृषि से उपज जो है वो अच्छा प्राप्त हो। इसके साथ ही साथ आपके आपका जो स्कूल है वो वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर स्थित ना हो, पापा का ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर ना हो, तो ये सब कनेक्टिविटी आप वहाँ पर देखते हैं। जलवायु अच्छी हो, मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े ना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़े, इस टाइप की स्थितियों का आप आकलन करते हैं और आप उसी जगह पर अपना घर बनाना चाहेंगे या घर लेना चाहेंगे। तो ऐसे ही यदि हम विश्व में या अपने देश में भी सभी व्यक्तियों की बात करें तो सभी की सोच जो है वो लगभग इसी के इर्द गिर्द घूमती है। और कारण यही है कि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में देश की 16% जनसंख्या और वहीं राजस्थान में हमें मात्र 5% जनसंख्या मिलती है। कारण यही है कि उत्तर प्रदेश एक समतल उपजाऊ मैदानी भूभाग में स्थित है जहाँ पर सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है तो सबसे पहले यहाँ की जो जनसंख्या है वो कृषि को प्रायोरिटी दे रही है कि जहाँ पर कृषि से प्राप्त उपज बहुत अच्छा हो। और इसके लिए क्या ज़रूरी होगा, एक समतल भूभाग और उपजाऊ मिट्टी, जो कि आपकी उत्तर के जो विशाल मैदान है वहाँ पर ये सारी स्थितियाँ हमको देखने को मिलती हैं। पानी की अच्छी व्यवस्था है, चाहे वो सिंचाई के लिए हो या पीने के लिए हो या अन्य घरेलू उपयोग के लिए हो, तो ये सभी चीज़ें जो है वो वहाँ पर लोगों को आकर्षित करती हैं। लेकिन यदि हम राजस्थान में चले जाएं और स्पेशली यदि हम चले जाते हैं अरावली के पश्चिम की तरफ, तो वहाँ पर हम देखते हैं एक विशाल थार का मरुस्थल है जिसके कारण मरुस्थली क्षेत्र में जहाँ पर आपको पीने के पानी की तक किल्लत होगी तो ऐसे क्षेत्र में तो आप नहीं रहना चाहेंगे, और एक असहनीय गर्मी, तो जलवायु भी अनुकूल नहीं है और साथ ही साथ
हमारे जीवन की एक जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जल, जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है, ये दोनों ही चीज़ें वहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं, तो वहाँ पर लोग कैसे निवास करना पसंद करेंगे? और कारण यही है कि वहाँ पर इतनी कम जनसंख्या और उत्तर प्रदेश में हमें इतनी अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। और इसके साथ ही साथ हमने जो ये और पांच राज्यों की बात की थी जहाँ पर देश की 50% आबादी जो है वो निवास करती है, वहाँ पर भी यही कारण जो है वो मिलते हैं। अनुकूल जलवायु, कृषि के लिए समतल उपजाऊ मैदानी भूभाग, और कहीं पर खनिज की उपलब्धता। और जब खनिज की उपलब्धता है, वहाँ खनन कार्य होगा जिससे रोजगार मिलेगा, और इसके साथ ही साथ संबंधित उद्योग से भी वहाँ पर रोजगार की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ परिवहन के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी ये जो पांच राज्य हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलती है, और इसी कारण यहाँ पर सबसे सघन आबादी, या हम कहें कि देश की 50% जनसंख्या यहाँ पर रहती है। अब हम बात करते हैं, ये वितरण की बात हो गई, अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं घनत्व पर। तो वितरण और घनत्व में थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको समझना होगा। जैसे जब हम वितरण की बात कर रहे हैं तो कुल संख्या है, जैसे भारत की कुल जनसंख्या कितने कितने व्यक्ति रहते हैं, हमने देखा 121 करोड़। तो ये 121 करोड़ जो जनसंख्या है वो हमने बस बता दिया कि उत्तर प्रदेश में इतने, सिक्किम में इतने, अरुणाचल में इतने, बिहार, महाराष्ट्र या राजस्थान में इतनी जनसंख्या रहती है, हमने वो संख्या बता दी कि 121 करोड़ में कितनी कितनी जनसंख्या कहाँ कहाँ पर निवास करती है। लेकिन जब हम घनत्व या डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी का जो महत्व है या उसका अध्ययन जो है वो हम जनसंख्या का अध्ययन किसी पर्टिकुलर प्रदेश या क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब में जो है उसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं या पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। इसे एक छोटे उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दो जगह नज़र आ रहे हैं, ये दोनों ही जो एक वर्ग खींचा गया है, दोनों का आकार जो है वो एक वर्ग किलोमीटर का है, और दोनों ही आकार वाले, दोनों ही एक समान आकार वाले इस क्षेत्रफल में आप देख रहे हैं कि एक जगह तो सिर्फ चार व्यक्ति आपको नज़र आ रहे हैं और दूसरे वर्ग में आपको लगभग 10 व्यक्ति जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ पर आकार जो है, साइज दोनों का सेम है, भूखंड का आकार एक ही है, एक वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, लेकिन उस एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में एक जगह सिर्फ चार व्यक्ति रह रहे हैं, मतलब वो बहुत खुले में रह रहे हैं, फैल के रह रहे हैं, उनके लिए उनके आवास के लिए पर्याप्त भूमि है, कृषि के लिए पर्याप्त भूमि वहाँ पर उपलब्ध हो पाएगी। लेकिन वहीं पर जो उसी आकार वाला दूसरा भूखंड है जहाँ पर हम देख रहे हैं उतने ही क्षेत्रफल में 10 से 15 व्यक्ति निवास कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी अपेक्षा वहाँ पर की भूमि में दबाव, व्यक्तियों का दबाव या प्रेशर जो है पॉपुलेशन का वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि सबको रहने के लिए घर की ज़रूरत है ही और खेती करने के लिए भी भूमि की आवश्यकता है। तो हम इसको क्षेत्रफल के संदर्भ में जब जनसंख्या का अध्ययन करते हैं कि कितने क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो हम इसे जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। और ये अधिकतर प्रति इकाई वर्ग क्षेत्रफल में इसका अध्ययन जो है वो किया जाता है। इसका फार्मूला है पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू, या जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, भूमि का कुल क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम देखें कि जो भारत है हमारी वो विश्व की एक घनी आबादी वाले देशों में से एक है, मतलब पहला स्थान विश्व में बांग्लादेश का है, उसके बाद जापान, और तीसरा स्थान हमारे भारत का है जहाँ पर की एक घनी आबादी मिलती है। अब भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है तो इसे भी हम देख रहे हैं। 2001 में जो देश में 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व मिलता था, ये 2011 में बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है।
और लगता है कि जो अगली जनगणना होगी, अभी हमने बताया कि अब तो हम चीन की जनसंख्या को भी पार कर चुके हैं, क्रॉस कर लिया है हमने, तो अगली जो भी जनगणना होगी वर्ष 2023 या 24 में, तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जनसंख्या घनत्व का ये जो आंकड़ा जो अभी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है, वो 400 व्यक्तियों का आंकड़ा पार कर सकती है। अब हम ये देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व का जो अध्ययन है ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हम क्यों जनसंख्या के घनत्व का अध्ययन करें। तो हम देखेंगे कि जहाँ पर भी उच्च जनसंख्या घनत्व मिलता है वहाँ पर वो क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याओं को जन्म दे सकता है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या हम देख रहे हैं आवास की, जितनी जनसंख्या जितने व्यक्ति आपके देश या क्षेत्र में रह रहे हैं उन सब के लिए आवास की आवश्यकता तो होती ही है। तो जब व्यक्तियों का दबाव उस क्षेत्रफल में अधिक होगा, छोटा क्षेत्रफल है और उसके दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं कि बहुत अधिक जनसंख्या वहाँ पर बहुत अधिक व्यक्ति निवास करते हैं, तो वो भूमि का आकार छोटा होगा। और ठीक वैसे ही हम अपने देश में भी देखेंगे कि हमारे देश का जितना क्षेत्रफल है उसे घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ही रहेगा, लेकिन उसमें जनसंख्या का दबाव जो है वो हर जनगणना में, या हम कहें प्रति वर्ष या प्रति दशकीय वृद्धि की हम बात करें तो उसमें लगातार वृद्धि जो है दर्ज की जा रही है। मतलब हर जनगणना में हम जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो क्या होगा, भूमि उतनी ही है, क्षेत्रफल उतना ही है, लेकिन जनसंख्या का, व्यक्तियों का दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो आवास की समस्या तो होगी ही, क्योंकि जितने भी व्यक्ति हमारे देश में निवास करेंगे उन सब के लिए एक छत की आवश्यकता तो होती ही है। तो आवास की एक मूलभूत समस्या उत्पन्न हो जाती है। और दूसरी, चूंकि देश कृषि प्रधान देश है, वहाँ पर कृषि कार्य के लिए भी लोगों को भूमि की आवश्यकता होगी, जिसके लिए हम देखेंगे कि जो भूमि का आकार है वो छोटा होता है और व्यक्तियों का दबाव जो है वो बहुत अधिक उसमें हो जाता है। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे आवास की समस्या तो उत्पन्न होती ही है, अब खाद्यान्न, रहने के लिए छत तो चाहिए ही और जीवन जीने के लिए आपको भोजन और जल की भी आवश्यकता होगी। तो एक महत्वपूर्ण समस्या जो है वो खाद्यान्न समस्या है और दूसरी जल की कमी। और खाद्यान्न और जल की कमी के साथ साथ हम देखेंगे कि अधिक लोग अगर रह रहे हैं तो वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण और उससे निकलने वाला जो कचरा है उसके निस्तारण की भी समस्या बहुत अधिक उत्पन्न होती है। इसके साथ ही साथ हम सड़कों में देखेंगे कि यातायात की एक अपार भीड़ जो है वो हमें नज़र आती है। और जब हम इसी आवास की समस्या पर बात करें तो ये परिवर्तन हमको अपने आसपास भी देखने को मिलता है। जैसे आप अपने छत्तीसगढ़ में रायपुर शहर में चले जाइए या बिलासपुर में चले जाइए, या फिर आप, हम देश की बात करें तो मुंबई में चले जाएं, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर आवास के लिए भूमि जो है वो कम पड़ रही है, इसलिए हम लगातार बहु मंजिला जो इमारतें हैं इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब लोगों के पास जो भूमि पर बने इंडिविजुअल मकान हैं वो कम होते जा रहे हैं और सबको एक छत चाहिए, इसलिए ये एक के ऊपर एक कई बहुमंजिला इमारतें जो है वो चारों तरफ हमारे नज़र आती हैं, जो कि इस आवास की समस्या या भूमि की कमी के कारण जो उत्पन्न आवास की समस्या है उसका परिणाम हमें नज़र आता है। अब हमने जो बात की यातायात की समस्या, इस यातायात की समस्या को भी आप अपने आसपास ही देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि जैसे ही आप सड़क पे चलते हैं किसी भी गंतव्य में जाने के लिए, तो अपने देश के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं या महानगर, और आप अपने रायपुर की ही बात कर लें, तो आप देखेंगे कि आप सिग्नल में यदि आपको स्टेशन जाना है ट्रेन पकड़ने के लिए, तो आप एक टाइम का जो इंटरवल है वो लगभग 30 से 45 मिनट का रखेंगे। ऐसा नहीं कि घर से आपकी जो स्टेशन की दूरी है वो 5 ही किलोमीटर है और आपको लगता है कि बस ये 10 मिनट का या 15 मिनट का ही रास्ता होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब रास्ते में आप जाएंगे तो आपको कई सिग्नल्स को
क्रॉस करना होगा, और चूंकि जनसंख्या अधिक होने के कारण वाहनों की इतनी भीड़ हो गई है, या हम कहें इतना अधिक यातायात का दबाव पड़ता है कि कई सिग्नल आपको हर सिग्नल में रुकने हैं, और एक एक मिनट जो है वो आपकी जब बारी आती है वो एक मिनट ग्रीन सिग्नल होते ही, और तब तक पता चल रहा है कि वो सिग्नल फिर से रेड हो गया। तो यातायात का दबाव भी जो है वो बहुत अधिक बढ़ रहा है, और जो हम अपने रोज़मर्रा की जो बात हो गई है कि जब हम घर से निकलते हैं और इस चीज़ को महसूस करते हैं, और इसके साथ ही साथ जब लोगों का दबाव पड़ेगा तो रोज़गार के लिए भी प्रतिस्पर्धा होती है, इसे भी हम महसूस करते हैं। मतलब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आपके घर में कोई आपके बड़े भैया होंगे जो अपने किसी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं, और आप देखेंगे जैसे किसी सर्विस के लिए अप्लाई किया जा रहा है उसमें मान लो कि 50 पोस्ट है, 50 पद के लिए भर्तियाँ निकली हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर आवेदन जो है वो बेरोज़गारी इतनी है कि लाखों में आवेदन जो है वो आते हैं। तो मतलब ये है कि रोजगार के लिए भी प्रतिस्पर्धा जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, और इसके साथ ही साथ अभी जब COVID-19 का समय था, इस महामारी से हम जूझ रहे थे, तो हमने ये भी देखा था कि लोगों की भीड़ ज़्यादा रहने से या बहुत ज़्यादा पास पास रहने से जो बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है, और इसे हमने बहुत अच्छी तरह से इस COVID-19 के दौरान महसूस किया, और उसमें ये बार बार बात कही जा रही थी कीप डिस्टेंस। तो जैसे नगरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ता है तो ये जो स्लम जैसी बस्तियां हैं वो हमें उसका फैलाव बहुत अधिक देखने को मिलता है, और उस स्लम एरिया में हम देखते हैं कि एक छोटे से कमरे में परिवार के 8 से 10 सदस्य भी वहीं पर रह रहे हैं, और पूरी बस्तियां जो है वो ऐसे ही घरों से भरी होती हैं, और सबके सीवरेज का पानी या हम कहें कि जो घर से निकलने वाला अपशिष्ट है वो सब कुछ वहीं पर फैला हुआ, और इतना अधिक एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है, इतना ज़्यादा प्रदूषण होता है कि ये एक गंभीर समस्या जो है वो बनती जा रही है। और आजकल जो नगरों की प्लानिंग की जा रही है उसमें इसी कारण से देखा जा रहा है कि स्लम जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित ना होने पाए, या उसका सही तरीके से, उसको एक नियोजित तरीके से बसाया जाए। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो जनसंख्या के अधिक घनत्व के कारण या जनसंख्या के बहुत अधिक दबाव बढ़ने के कारण जो है वो हमें इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो एक हमारे लिए गंभीर समस्या है। तो अभी इतनी सारी जो समस्याएं अभी हमने चर्चा की उसकी गंभीरता पर तो आप सोच ही सकते हैं, या विचार करना मैं कहूँ कि बहुत आवश्यक हो जाता है। अब हम देखते हैं घनत्व की हमने चर्चा की थी, और हमने देखा कि लगातार हर जनगणना में ये घनत्व जो है वो बढ़ता जा रहा है, और हम एक घनी आबादी वाले देशों में से एक हैं। भारत के ही अलग अलग राज्यों में जब हम जनसंख्या घनत्व की बात कर लें तो देखते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या, वही डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी दोनों में डिफरेंस करना है आपको, सर्वाधिक जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश में मिलती है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार राज्य में मिलता है। मतलब उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बड़ा है, उस क्षेत्रफल के हिसाब में वहाँ पर जनसंख्या कम निवास कर रही है, लेकिन बिहार का क्षेत्रफल कम है और उस छोटे क्षेत्रफल के हिसाब से, छोटे क्षेत्र के हिसाब से वहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है, और उस क्षेत्रफल पर जनसंख्या का या व्यक्तियों का दबाव बहुत अधिक है, और वहाँ पर हम देख रहे हैं बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व मिलता है। अब वहीं अरुणाचल की हम बात कर लें तो अरुणाचल में मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करते हैं, तो इसमें इस घनत्व में भी हमें बहुत अधिक भिन्नता देखने को मिलती है। अरुणाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है, हिमालय पर्वतीय राज्य पूर्वोत्तर का। तो क्या कारण है कि बिहार में इतना अधिक और अरुणाचल में इतना कम? तो जैसे हमने चर्चा की थी कि वितरण में असमानता देखने को मिलती है, ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे जनसंख्या के घनत्व में जो हमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में असमानता देखने को मिलती है, उसका कारण यही है
स्थलाकृति, किसी स्थान की स्थलाकृति मतलब वो मैदानी क्षेत्र में हमें अधिक जनसंख्या मिलेगी, और कोई पठारी या पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है। इसके साथ ही साथ जलवायु भी प्रभावित करती है। अगर मानव निवास के अनुकूल जलवायु है तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक मिलेगी, साथ ही साथ प्रतिकूल जलवायु में कम जनसंख्या निवास करती मतलब बहुत अधिक ठंडे क्षेत्र या बहुत अधिक गर्म क्षेत्र, बहुत अधिक बारिश या दलदली वाले क्षेत्र। और इसके साथ ही साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे भोजन है, आवास है या जल की सुविधा, जल की सुविधा तो आपको पीने के लिए तो है ही, पीने के लिए जीवन की अनिवार्यता के लिए जल आवश्यक है, और इसके साथ ही साथ जो घरेलू आवश्यकताएं हैं उनके लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। तो इन सब के साथ जल की उपलब्धता, भोजन मतलब कृषि कार्य वहाँ पर अच्छी तरह से हो पाए, उपजाऊ मिट्टी हम कह सकते हैं, और आवास, और इसके साथ साथ परिवहन, और भी बहुत सारे कारण हैं या फैक्टर्स हैं जो जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करते हैं। और इसी कारण से ये सब सुविधाएं जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर हमें अधिक जनसंख्या घनत्व मिलता है, और जहाँ पर इसके प्रतिकूल क्षेत्र में हमें जनसंख्या घनत्व में कमी देखने को मिलती है। अब हम कुछ घनत्व वाले क्षेत्रों की बात कर लें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि कहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है वो अधिक मिल रहा है और कहाँ पर कम। भारत में भी जो घनत्व में असमानता देखने को मिल रही है तो कहीं पर कम और कहीं पर अधिक। तो इस बात पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कहीं पर उच्च घनत्व क्यों मिल रहा है, कहीं मध्यम घनत्व और कहीं पर निम्न घनत्व क्यों है। तो इस मानचित्र पर भी आप बहुत अच्छे से नज़र डालेंगे जो कि भारत के जनसंख्या घनत्व के अलग अलग राज्यों पर फोकस कर रहा है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं जो उच्च घनत्व के क्षेत्र हैं जैसे कि हम बात कर लें केरल, और दक्षिणी राज्यों में हम केरल की बात कर लें, और केरल के साथ साथ जो मैदानी राज्य हैं उत्तर के विशाल मैदान के जितने भी मैदानी राज्य हैं यहाँ पर हमें बहुत अधिक जनसंख्या का उच्च घनत्व देखने को मिलता है। और कारण यही है, जैसे केरल की हम बात करें एक तटीय क्षेत्र है, समजल वायु वाला क्षेत्र है, और हम विशाल मैदान में चले जाएं तो वहाँ पर समतल भूमि है सिंचाई के लिए, और साथ ही साथ अलग अलग कार्यों की जल की उपलब्धता और उपजाऊ मिट्टी, ये सभी ऐसे कारण हैं जो जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और इसी कारण हम देखेंगे कि यहाँ पर जनसंख्या का उच्चतम घनत्व जो है वो मिलता है। अब हम मध्यम जनघनत्व वाले क्षेत्र की बात कर लें तो जब हम भारत में देखेंगे तो मध्यम जनघनत्व के जो क्षेत्र हैं, जो असम का अधिकतर क्षेत्र है, और इसके साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भूभाग के जो अधिकतर राज्य हैं वो आपके मध्यम जनघनत्व वाले क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पर मध्यम घनत्व मिलने का कारण, यहाँ पर सामान्य से मध्यम वर्षा भी ठीक ठाक होती है। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे काली उपजाऊ मिट्टी है, और मतलब पूरा जो दक्कन का पठार है वहाँ पर हम देखते हैं कि काली मिट्टी का विस्तार है, तो उपजाऊ मिट्टी भी इसका एक प्रमुख कारण है। और उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ हम देखेंगे कि पूरा हमारा प्रायद्वीपीय पठार जो है वो खनिज संसाधनों का अथाह भंडार लिए हुए है। तो थोड़ी देर पहले हमने अभी चर्चा भी की थी कि जहाँ भी हमें खनिज संसाधनों के भंडार मिलेंगे मतलब वहाँ खनन कार्य होगा, संबंधित उद्योग लगाए जाएंगे, तो चाहे वो खनन उद्योग में हो या संबंधित विनिर्माण उद्योग, दोनों ही जगह जो है वो रोजगार के कारण अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करते हैं। तो ये सभी कारण हैं असम के साथ साथ प्रायद्वीपीय राज्यों में मध्यम जनघनत्व मिलने के, ये सभी महत्वपूर्ण कारण हैं। अब इसके बाद हम देखें कि जितना हमारे देश का जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय जो राज्य हैं, और इसके साथ ही साथ जैसे राजस्थान है उसका जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये सभी जो प्रतिकूल जलवायु और स्थलाकृति, ऊबड़ खाबड़ भूमि या हम दलदली भूमि की बात कर लें, तो ये सभी एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर चाहे वो जलवायु प्रतिकूल हो या स्थलाकृति में उबड़ खाबड़ भूमि होने के कारण और जलवायु के दृष्टिकोण से भी प्रतिकूलता आने के कारण यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या घनत्व जो है वो हमें देखने को मिलता है। फिर अभी हमने चर्चा की थी ना कि अरुणाचल प्रदेश में हमें मात्र
17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। फिर हम चले जाएं जम्मू कश्मीर में या फिर हम चले आए नागालैंड में, तो ये सब हिमाचल में चले जाएं या राजस्थान में चले जाएं, तो ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जनसंख्या का बहुत निम्न घनत्व मिलता है। और कारण यही है, प्रतिकूल जलवायु और स्थलाकृति की जो है वो प्रतिकूलता। अब हमने चर्चा की घनत्व पर, अब हम चर्चा करते हैं जनसंख्या की एक विशेषता जिसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जनसंख्या वृद्धि है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन ही हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब ये जो परिवर्तन है, आप कह रहे होंगे इसे वृद्धि कैसे कहेंगे? तो जनसंख्या में ये परिवर्तन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, कि पिछली जो जनगणना है उसकी तुलना में यदि बाद की जनगणना में व्यक्तियों की संख्या कम हो गई या जनसंख्या कम हो गई तो हम इसे ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे, मतलब कमी आ गई जनसंख्या में। परिवर्तन कैसा था? कमी में थी, तो हम इसे ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे। लेकिन जब जनसंख्या में वृद्धि वाला परिवर्तन होता है, वृद्धि मतलब पिछली जनगणना की तुलना में वर्तमान जनगणना में जनसंख्या अधिक हो गई, तो हम उसे जनसंख्या में होने वाला धनात्मक परिवर्तन या धनात्मक वृद्धि कहते हैं। तो हम पहले एक बार और जनसंख्या वृद्धि को एक परिभाषिक रूप में समझें, तो हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किन्हीं दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। अब हमने देखा कि इसके दो परिवर्तन के दो प्रकार थे। पहला हमने देखा धनात्मक वृद्धि और दूसरा ऋणात्मक वृद्धि। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो पिछली जनगणना हमारी थी 2001 की, और उसके बाद पिछली जो वर्तमान तो नहीं कहें, पिछली जो अंतिम जनगणना हुई 2011, तो इन दोनों की जनसंख्या को यदि हम घटा दें, 2001 से 2011 की जनगणना को हम घटा देते हैं, और यदि हमारा जो उत्तर है वो धनात्मक में आता है, जैसे 2001 की जनगणना हमारी कितनी थी, 102 करोड़, और 2011 में हमारी जनगणना में हम देख रहे हैं हमारी जनसंख्या हो गई 121 करोड़, तो हम क्या देख रहे हैं? इसमें वृद्धि जो है वो देखने को मिलती है। तो जब हम वर्तमान जनगणना से पिछली जनगणना को घटा देते हैं, जैसे 2011 में हमारी जनसंख्या थी 121 करोड़, और उसमें जो पिछली जनगणना 2001 में हुई थी उसमें हमारी जनसंख्या 102 करोड़ थी, तो ये दोनों को जब हम घटा देते हैं तो जो हमारा उत्तर आएगा वो हम देखते हैं कि हमारा उत्तर धनात्मक में आएगा। तो हमारी जो जनसंख्या में परिवर्तन हुई है या जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो धनात्मक वृद्धि होगी। और नेचुरली है कि 2011 में हमारी जनसंख्या जो है वो बढ़ी है 2001 की तुलना में, तो हमारा उत्तर जो है वो धनात्मक में ही होगा, मतलब ये जो परिवर्तन है उसमें धनात्मक वृद्धि हुई है। अब इसके दो प्रकार होते हैं, अभी जैसे मैंने बताया धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि, लेकिन इस जनसंख्या वृद्धि को व्यक्त करने के भी जो है वो दो तरीके होते हैं, पहला सापेक्ष और दूसरा होता है निरपेक्ष। तो ये दोनों जनसंख्या वृद्धि को व्यक्त करने के तरीकों को हम देखें या इस पर बात करें, तो निरपेक्ष क्या है या एब्सोल्यूट, तो ये एब्सोल्यूट ग्रोथ या निरपेक्ष वृद्धि की जब हम बात करते हैं तो इसे हम संख्या में व्यक्त करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, हम भारत की जो जनसंख्या है वो 2001 में 102.70 करोड़ थी, और वहीं 2011 में ये बढ़कर 121.08 करोड़ हो गई। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो वृद्धि हुई है इसे हम निरपेक्ष वृद्धि या एब्सोल्यूट ग्रोथ कहते हैं, मतलब जिसको हम एग्जैक्ट संख्या में नंबर्स में बता सकते हैं, इस जनसंख्या की वृद्धि को हम निरपेक्ष वृद्धि में व्यक्त करते हैं। और इसको उदाहरण से भी समझ सकते हैं, इसको निकालने का फार्मूला होता है वर्तमान जनगणना, और उसमें हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे पिछली जनगणना को,
तो जब हम वर्तमान जो हमारी जनगणना थी 2011 की पिछली वाली उसमें 121 करोड़ था, और पिछली जो जनगणना थी उसमें हमने देखा 102 करोड़ था। इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 18.38 करोड़ के आंकड़े आ जाते हैं। मतलब हमारे जनगणना में 2001 से 2011 की तुलना में इन 10 वर्षों के दौरान हमारी जो जनसंख्या है उसमें 18.3 करोड़ की वृद्धि हुई है। और ये जो 18.3 करोड़ है ये एब्सोल्यूट नंबर हुआ ग्रोथ का, या हम इसी को निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। अब दूसरा जो तरीका है व्यक्त करने का वो हम देखते हैं सापेक्ष वृद्धि, और इस सापेक्ष वृद्धि को हम प्रतिशत में परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। और इसे निकालने का फार्मूला होता है, इस फार्मूले या सूत्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, वर्तमान जनगणना और उसमें पिछली जनगणना को माइनस कर देंगे और जो संख्या आएगी उसको हम पिछली जनगणना से भाग दे देते हैं, और जब हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, क्योंकि हम इसे प्रतिशत में व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई दे देते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो सापेक्ष जो है प्रतिशत या सापेक्ष वृद्धि का नंबर हमें ज्ञात हो जाएगा। जैसे कि वर्तमान जनगणना हमारी 121.08 करोड़, उसमें हमने माइनस कर दिया पिछली जनगणना को जो 102.70 करोड़ थी, और इसको हमने भाग दे दिया पिछली जनगणना से जो हमारी 102.70 करोड़ थी 2001 की जनगणना, और जो नंबर हमें प्राप्त होगा उसे हमने 100 से मल्टीप्लाई दे दिया, तो जो उत्तर या प्रतिशत जो निकल कर आ रहा है वो है 17.89%। तो हम ये देखते हैं, हम इसे सापेक्ष प्रतिशत के रूप में जब व्यक्त करते हैं तो इन दो जनगणनाओं के दौरान हमें जो 17.89% के आंकड़े प्राप्त हुए ये हम इसे सापेक्ष वृद्धि कहेंगे। अब इन दोनों के अतिरिक्त भी, ये जो दो तरीके थे व्यक्त करने के, इनके अतिरिक्त भी हम देखते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि का जो दर है ये एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, और इसका अध्ययन हम प्रतिवर्ष प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, जिसे हम वार्षिक वृद्धि कहते हैं या वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं, पर ईयर ग्रोथ रेट होगा ये, या एनुअल ग्रोथ रेट हम इसे कहते हैं। तो ये हो गई हमारी जनसंख्या वृद्धि की बात। अब इस तालिका के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे इसमें 1951 से लेकर 2011 जनगणना तक की वृद्धि के जो आंकड़े हैं वो दिए गए हुए, निरपेक्ष मतलब संख्या में वृद्धि, जनगणना और दशकीय वृद्धि जो दर है वो दी गई है। और इसमें हम देख पा रहे हैं कि 1951 से लेकर 1981 तक की जनगणना में बहुत तीव्र वृद्धि जो है वो दर्ज की जा रही है, और इसके बाद और 1951 में जो 3610 या 3610 लाख जनसंख्या थी वो 1981 में बढ़कर 6830 लाख हो गई है ये वृद्धि जो है। और फिर 1981 के बाद हम देखेंगे कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उसमें कमी आई है, और इसका एक प्रमुख कारण है जन्म दर में कमी। जन्म दर में कमी लाकर हमने जनसंख्या की वृद्धि दर में बहुत हद तक नियंत्रण पा लिया है, और जन्म दर में कमी ऐसे कि हमने बहुत सारी पॉलिसी जैसे परिवार नियोजन है या मतलब बहुत सारी ऐसी नीतियों को अपनाकर हमने जन्म दर पे नियंत्रण किया है, और इसके कारण हम देख रहे हैं कि 1981 के बाद हमारी ग्रोथ रेट जो है वो क्रमशः कम होती गई है। लेकिन इसके बाद भी हम देखेंगे कि 1990 में कुल जनसंख्या जो थी वो उसमें 1820 लाख की जो है वो वृद्धि हुई है, और इतनी वृद्धि जो है वो और पहले दर्ज नहीं की गई। यदि इसी में हम 2001 के आंकड़े देख रहे हैं तो हम देखते हैं 102 करोड़ की जनसंख्या थी, और इसमें वृद्धि जो है वो 182 लाख की थी तब, और वार्षिक वृद्धि दर का जो प्रतिशत था वो 1.97% था। वहीं 2011 में हमारी जनगणना बढ़कर 121 करोड़ हो गई, और लाख में जनसंख्या में जो निरपेक्ष संख्या में जो वृद्धि हुई वो 181 लाख की हुई, और जब हम इसे प्रतिशत में वृद्धि दर्ज करते हैं सापेक्ष प्रतिशत में तो हम देख रहे हैं कि 1.64% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। तो हालांकि हम देख रहे हैं कि प्रतिशत में तो ये हमें बहुत कम लग रहा है कि मात्र
6.4% की ही वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है, या लगातार हम इस प्रतिशत वृद्धि में भी कमी को दर्ज कर रहे हैं। लेकिन हमारे भारत की जनसंख्या जो है वो एक विशाल जनसंख्या है, और इस विशाल जनसंख्या में थोड़ी सी जो वृद्धि होती है वो भी एक विशाल वृद्धि को दर्ज कराती है। जैसे कि यदि हम 2011 की जनगणना की बात करें, और 2001 से 2011 के दौरान जो वृद्धि हुई है वो 1.64% की है, और हम देख रहे हैं 121 करोड़ का भी, यदि हम 121 करोड़ जनसंख्या की भी हम बात करें तो लगभग एक और इसी दर से यदि आगे वृद्धि दर्ज की जाएगी तो लगभग 1,43,00,000 जनसंख्या जो है ये बढ़ जाती है। मतलब वृद्धि तो हम मात्र 1.6 या लगभग 1.5 के आसपास भी दर्ज करेंगे, जनसंख्या में जो है वो करोड़ों में वृद्धि जो है वो दर्ज की जाती है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या में यदि 1 से 2% की भी वृद्धि होती है तो ये जनसंख्या में वृद्धि करोड़ों में जो है वो दर्ज की जाती है। तो ये हो गई बात हमारी जनसंख्या वृद्धि की। बच्चों, यहाँ पर एक तालिका के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि 1951 से 2001 के दौरान भारत की जो जनसंख्या है और जनसंख्या वृद्धि दर, इसको दिखाया गया है। इस ग्राफ से पता चल रहा है कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या वृद्धि की जो वार्षिक दर है वो लगातार बढ़ रही थी। जो 1951 में 361 मिलियन थी वो 361 मिलियन से बढ़कर 1981 में 683 मिलियन हो गई है। तो इतनी तेजी से ये जनसंख्या की वृद्धि को बता रहा है। 1981 के बाद से हम देख रहे हैं कि विकास दर धीरे धीरे कम होने लगी है, और इस अवधि के दौरान जन्म दर में तेजी से गिरावट आई है। लेकिन फिर भी अकेले 1990 के दशक में कुल जनसंख्या में 182 मिलियन लोग जुड़ गए हैं, और ये बहुत अधिक वृद्धि को दर्शा रहा है। वर्ष 2001 में जनसंख्या जो है वो बढ़कर 182 लाख हो गई, और 2011 में ये 181.4 लाख जो है वो दर्ज की गई है। और दोनों ही दशकों में हम देख रहे हैं कि वार्षिक वृद्धि दर का जो प्रतिशत है वो 1951 से 1981 तक ये वृद्धि दर जो है वो दर्ज की जा रही है। फिर 1991 में इसमें कमी दर्ज की गई 2.17, फिर क्रमशः कमी हो रही है 1.97 की दर से, और 2011 में ये घटकर 1.64% की दर से वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन इतनी वृद्धि भी जो है, चूंकि भारत की जनसंख्या एक विशाल जनसंख्या है, तो अगर उसमें हम देख रहे हैं कि मात्र 1.64% की दर से भी वार्षिक वृद्धि दर्ज की जाती है तो ये जनसंख्या जो है वो करोड़ों में हो जाती है। तो एक छोटी सी वृद्धि भी एक विशाल वृद्धि को दर्शाती है।